विश्व कप 2023 के लिए टीम पाकिस्तान के सभी मुकाबलों को शेड्यूल और तारीखों का हुआ ऐलान। इस तारीख से और इन टीमों के साथ भारत के इस मैदानों में भिड़ेगी टीम पाकिस्तान। बताएंगे आपको पूरा शेड्यूल इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन और चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस बार वनडे विश्व कप 2023 का खिताब जीते तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल भारत की मेजबानी में वनडे विश्व कप खेला जाना है और वनडे विश्व कप 2023 का शेड्यूल अब सामने आ चुका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम इस बार वनडे विश्व कप 2023 का खिताब जीत सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी फिलहाल जिस शानदार फॉर्म में चल रहे हैं उसे देखते हुए इस बार पाकिस्तान का वनडे विश्व कप का खिताब जीतना लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। आपको बता दें कि वनडे विश्व कप के लिए पाकिस्तान की टीम अब भारत के दौरे पर जाएगी और जहां भारत में ही पाकिस्तान की टीम वनडे विश्व कप के मुकाबले खेलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की टीम वनडे विश्व कप 2023 में किस दिन और कौन सी टीम के साथ मुकाबला खेलेगी। आपको बता दें कि सबसे पहले पाकिस्तान की टीम को क्वालिफायर वन टीम के साथ मुकाबले में भिड़ना है और ये मुकाबला 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान की टीम अपना दूसरा मुकाबला क्वालिफायर टू टीम के साथ खेलेगी जो कि 12 अक्टूबर को हैदराबाद में होगा। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाना है। पाकिस्तान की टीम अपना चौथा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ 20 अक्टूबर को खेलेगी जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान की टीम अपना पांचवा मुकाबला अफगानिस्तान के साथ 23 अक्टूबर को खेलेगी, ये मुकाबला चेन्नई में होना है। इसके बाद पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के साथ 27 अक्टूबर को चेन्नई में भिड़ेगी, जबकि इसके बाद पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश के साथ 31 अक्टूबर को मुकाबला खेलना है। वहीं पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के साथ 5 नवंबर को बेंगलुरु के मैदान में भिड़ने वाली है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से है वनडे विश्व कप 2023 के लिए पाकिस्तान का शेड्यूल। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।